वेलकम टू टू साइंस साइंस प्लस प्लस स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स। एवरीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, यानी लिक्विड और गैसेज इसमें हो सकते हैं। और फ्लूइड्स आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, एक ये फ्लूइड्स जो है वो फोर्स भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ फुटबॉल को घुमा रहे हैं और ये लेयर्स फ्लूइड की एरोज के साथ दिखाई गई हैं। ऊपर की तरफ असल में ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, नीचे की तरफ ये टर्बुलेंट फ्लो है, तो इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? एफ इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वी। ईटा जो है ये विस्कोसिटी है, ए जो है वो एरिया ऑफ फ्लूइड लेयर और डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स असल में वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो यहाँ से दरअसल हम निकालते हैं विस्कोसिटी के यूनिट, और ये जो है बड़ा अहम लॉ है एंटी टेस्ट वगैरह के लिए, इसको याद रखिएगा। तो इंटरनल फ्रिक्शन अमंग द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं विस्कोसिटी इज मेजर हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर एन अदर। और अगर मैं आसान जुबान में आपको समझाऊँ तो हम ये भी कह सकते हैं किसी फ्लूइड का गाढ़ापन या पतलापन, उसको भी हम विस्कोसिटी कह सकते हैं। ऐसे यूनिट जो है वो विस्कोसिटी के न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड हो सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा, और इसके डायमेंशन के लिखे हुए हैं, डायमेंशन भी इसके इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि विस्कोसिटी से ये होता है हनी और वाटर, वाटर क्योंकि सबसे कम विस्कोसिटी रखता है। तो देखें ये बॉल 8 सेकंड में इसके बॉटम पे पहुंच गई, ऑयल की विस्कोसिटी उससे थोड़ी ज़्यादा है तो ये ना पहुंच सकी जो है बॉटम तक, और इसी तरह हनी में भी वो आके रुक गई और वो भी ना पहुंच सकी बॉटम तक। यानी जो जितना ज़्यादा विस्कस होगा फ्लूइड वो उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स देगा, ये इसका ये भी मतलब हो सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, देखें इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? सब्सटेंस डू नॉट फ्लो इजीली, हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसा कि थिक टार हनी वगैरह। सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इजीली हैव स्मॉल विस्कोसिटी, वाटर मिल्क वगैरह पेट्रोल वगैरह। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे और लिक्विड पे कैसे? तो ये रेड लाइन जो मैंने लिखी है ये इसीलिए लिखी है कि ये इंपॉर्टेंट है। By increasing the temperature of temperature, viscosity of gases increases, but the liquid decreases and vice versa. यानी अगर temperature बढ़ाया जाए तो gases की viscosity बढ़ती है और liquids की कम होती है, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं। इस ग्राफ में dynamic viscosity है तो temperature बढ़ाने से ज़रा देखें liquid की viscosity कम हो रही है, और ये red line gases के लिए, तो gases की viscosity बढ़ रही है। तो ये भी इसको एक्सप्लेन करता है ड्रैग फोर्स। मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स देगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ लिक्विड एक्सपीरियंस इज अ रिटार्डिंग फोर्स। दरअसल ये रिटार्डिंग फोर्स है, और किसी भी लिक्विड में जब आप मूव करते हैं तो ये रोकने की कोशिश करती है। और याद रखिएगा, आप इसका तजर्बा यूँ कर सकते हैं, पानी के टब में अपना हाथ डाल के आहिस्ता आहिस्ता हिलाएँ, आहिस्ता हिलाएंगे तो कम ड्रैग फोर्स फील होगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा तेज़ी से हिलाएंगे पानी के टब में अपने हाथ को तो आपको ज़्यादा ड्रैग फोर्स फील होगी। इसी तरह आप अगर बाइक पर जा रहे हैं या गाड़ी पर जा रहे हैं तो आप सनरूफ में से बाहर निकलें, जब आप बाहर निकल के अपना हाथ ऊपर करेंगे तो आपको एयर की ड्रैग फोर्स वाज़े फील होगी। अब ड्रैग फोर्स डिपेंड किन किन चीज़ों पर करते हैं? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है तो तब भी। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की शेप डायनामिक है, आप देखते हैं गाड़ियों की, जहाज़ों की, फाइटर जेट्स की शेप एयरो डायनामिक रखी जाती है ताकि वो कम से कम एयर जो है वो उसको ड्रैग को फील करें। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा साइज होगा, जितना एरिया ज़्यादा फेस करेगा आपका एयर को या वाटर को या उस फ्लूड को जिस फ्लूड में से आप मूव कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा एरिया उसको फेस करेगा उतना ही ज़्यादा ड्रैग होगा। इसलिए जो शेप्स हैं आप देखें, शेप्स की जो बनाई जाती हैं शेप्स, वो आगे से ऐसे बनाई जाती हैं कि वो शेप कम से कम पानी का ड्रैग लें। और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो ये तो मैंने पहले बताया, जो जितना गाढ़ा या जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा वो ज़्यादा आपको ड्रैग फोर्स देगा। तो इसके बाद देखते हैं ये एरोडायनामिक शेप्स का मैंने जिक्र किया, तो ये गाड़ी और ये जहाज की शेप आपको इसलिए
दिखाई गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, देखें जरा। स्टोल्स ना इसको एक्सप्लेन करता है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज एन इंडिकेशन ऑफ द फ्लो रेट, इट इज मेजर्ड इन पास्कल सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, न्यूटन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। स्टोक्स लॉ असल में ये हमारे पास ड्रैग फोर्स के फार्मूला ही हमें देता है, और जितना ज़्यादा ड्रैग कोई भी चीज़ लेती जाती है, ये देखें, ये एक डाइवर उसने जब शुरू में डाइव लगाई तो ड्रैग जीरो था, लेकिन जो जो वो हवा में नीचे आता जाएगा तो ड्रैग बढ़ता जा रहा है, ये 600 और ये ड्रैग बराबर हो गया, तो यहाँ उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली। तो ये डायग्राम आपको टर्मिनल वेलोसिटी भी बता रही है, और इस वक्त देखें क्योंकि ड्रैग और वेट बराबर हो गया तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गई। यही टर्मिनल वेलोसिटी का प्रिंसिपल है जिसको हम आगे देखने लगे हैं। तो आप ये देखें, टर्मिनल वेलोसिटी अ मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग बॉडी व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू वेट। अभी हमने यही सीखा है कि वेट और ड्रैग फोर्स अगर बराबर हो जाए तो वो बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है। तो पैराट्रूपर, एयर डाइवर, ये सब इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब नेट फोर्स देखें, वेट माइनस ड्रैग फोर्स है, ये हो गई हमारे पास। तो ये वाटर ड्रॉपलेट है या रेन ड्रॉपलेट है, ये जब आसमान से गिरा, बादलों से टपका, तो ड्रैग फोर्स एयर की वजह से बराबर हो गई और वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। जब ये बराबर हो गई तो ये बड़े कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा, उस कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इस वक्त होगा क्या, नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगी ये देखें, और एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। तो वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएगी। जब वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हुई तो एक फार्मूला ये बन जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का। अब यहाँ से हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस, तो वो भी हमें निकालना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जब अगर कोई भी लिक्विड है तो उसकी कोई ना कोई डेंसिटी तो है ना, तो डेंसिटी से हमने मास का फार्मूला लिया। और यहाँ क्योंकि हम ये ड्रॉपलेट कंसिडर कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट एक स्फीयर होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पे हमने ये स्फीयर की वैल्यू लगाई, और ये यहाँ से ये वैल्यू लगा के यहाँ मास की वैल्यू इस टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले में हमने मास की वैल्यू पुट की। जब हम यहाँ मास की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये फाइनल फार्मूला मिलेगा 2/9 ρgr² ईटा। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक फार्मूला हमें यहाँ मिल गया। तो टर्मिनल वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा कि इससे कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है, द टर्मिनल वेलोसिटी एट मून। अब मून की ग्रेविटी तो है, लेकिन मून पर टर्मिनल वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम अगर इस ड्रॉपलेट को गौर से देखें तो यहाँ ड्रैग फोर्स का जिक्र है, और ड्रैग फोर्स होती है एटमॉस्फेयर यानी एयर की वजह से, तो एयर तो है नहीं मून पे। तो जब मून पर एयर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ ड्रैग फोर्स भी नहीं होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी मून पर या स्पेस में पॉसिबल नहीं होगी। इस ग्राफ को जरा गौर से देखें, और यहाँ देखेंगे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन जब टर्मिनल वेलोसिटी एक बॉडी अटेन कर लेती है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। यही चीज़ तो आप यहाँ देखें, हमने डेफिनेशन में बोली है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये मैक्सिमम भी हो गई, ये देखें ग्राफ के लिहाज से, और कांस्टेंट भी हो गई। तो ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब कोई भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो ये भी याद रखना है कि नेट फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको हम लिखें, तो कुछ न्यूमेरिकल हमने इससे हल कर लेने हैं। ये देखें, अब ये एक अनयूजुअल केस है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम ओवर आर। तो ये एम ओवर आर का ये रिलेशन बन गया, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये याद रखिएगा, जब मैस वेरिएबल हो ये तब होगा, जब मैस, और जब फाइनल फार्मूला हमने निकाला जिसमें डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों कॉन्स्टेंट होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी की अगर हम दो ड्रॉपलेट्स के लिए रेशियो लें v1/v2 r1² / r2², तो ये भी बड़ा अहम फार्मूला है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल डेवलप कर लिए जाते हैं, इससे इसको याद रखें। और एक बहुत ही अहम फार्मूला जो किस लिए है, vt इज द टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन मेनी ड्रॉप्स ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल ड्रॉप। तो ये देखें, ये n ड्रॉपलेट्स थे, लेट्स से दैट n ड्रॉपलेट्स थे हमारे पास, और हर ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी थी vt प्राइम।
और वो सब ग्रुप्ड हो गए, यानी वो मिल गए और उन्होंने मिलकर एक ही ड्रॉप बना लिया, तो उन सब की एक टर्मिनल वेलोसिटी हो गई अब उस बड़े ड्रॉप की, वो होगी वी टी। तो ये इसलिए होगी वी टी प्राइम, मैं फिर बता रहा हूँ, ये हर सिंगल ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी है। और इसका एक न्यूमेरिकल भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, लेट्स से दैट 27 रेन ड्रॉप कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, देन द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट विल बी। तो आप ये देखें कि 27 है, तो n की जगह यहाँ पे हम पुट करेंगे 27। 27 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का। 27 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट होने के बाद, और ये सिर्फ 3 का स्केल रहेगा, तो 9VT, 9VT इसका सी जो है ये आंसर है, सी इसका आंसर होगा। तो ये बड़े अहम सवाल था। फ्लूड आगे देख लेते हैं, लैमिनर टर्मिनल फ्लो। असल में लैमिनर जो है ये एक आइडियल फ्लो है, द फ्लो ऑफ फ्लूड इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड, इट इज एन आइडियल फ्लो। द बॉडीज ऑफ द फिश व्हीकल्स आल्सो डिजाइन एज अ स्ट्रीम लाइन शेप। तो स्ट्रीम लाइन शेप जो है वो कम से कम ड्रैग जो है वो फील करती है, स्ट्रीम लाइन जो शेप होती है वो कम से कम ड्रैग फील करती है, जिसकी वजह से बॉडी तेजी से तैरती है, यानी मछलियां तेजी से तैरती हैं, जहाज तेजी से चलते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है, इसको आपने थोड़ा सा जरा देख लेना है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है जी। और हमारे पास यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूड क्या होते हैं, ये नॉन विस्कस होते हैं, यानी इनकी विस्कोसिटी ना होने के बराबर है, होती ही नहीं है। इट हैज ऑलवेज स्ट्रीम लाइन फ्लो, हमेशा स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा इनमें। इट इज आइडियल फ्लूड इन कंप्रेसिबल, और ये फ्लूड कंप्रेसिबल भी नहीं होगा। तो ये आइडियल फ्लूड की खासियत है। हम नेक्स्ट हमारे पास है, हम चलते हैं जी, नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं हमारे पास, यहाँ से आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तमाम पार्टिकल देखें सेम स्पीड से जा रहे हैं। दरअसल ये सेंटर वाले आगे क्यों निकल गए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक नहर की, एक कैनाल की या दरिया की, कि जो दरिया के किनारों पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर स्पीड कम होती है, और जब दरमियान में गहराई ज़्यादा होती है तो वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये यही चीज़ जाहिर कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, द फ्लो ऑफ फ्लूड इन विच ऑल द पार्टिकल ऑफ फ्लूड पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद डिफरेंट स्पीड, हिंड्रेंस है यानी रुकावट है। तो यहाँ तो सेम स्पीड थी लेकिन यहाँ डिफरेंट स्पीड है, तो ये असल में नॉन आइडियल फ्लो है, इट इज नॉट एन आइडियल फ्लो। द बॉडीज विच हैव नॉट अ स्ट्रीम लाइन शेप सफर्स अ लार्ज रेजिस्टेंस मूव थ्रू द विस्कस, यानी ये ऐसी बॉडीज होती हैं जिनकी स्ट्रीम लाइन शेप नहीं होती, तो स्ट्रीम लाइन नहीं होगी तो उनको ड्रैग बहुत हैवी फील करना पड़ेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये तमाम पार्टिकल मूव तो कर रहे हैं लेकिन ये इन पार्टिकल्स की तरह बिल्कुल भी तरतीब में नहीं है, बल्कि उबड़ खाबड़, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई तेज़ जा रहा है, फिर कोई स्लो हो जाता है। तो ये ऐसा होता है, आप एक नहर के किनारे पर खड़े हों तो आपको पानी के अंदर कर्ल्स बनते नजर आएंगे, तो वो जो कर्ल्स बनते हैं वो असल में टर्बुलेंट फ्लो की वजह से ही होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, देखें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप एंड फ्लूड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। अच्छा, अब ये देखें, ये वो पाइप है जिसकी बात की जा रही है, इस पाइप के दो एंड लिए, यहाँ से जो पानी एंटर होगा वो यहाँ से निकलेगा, हम ये कहते हैं। अब इसको एंड वन कह दिया, हाइट को एच वन कह दिया, इसको एंड टू कह दिया और हाइट को एच टू कह दिया। ये हाइट असल में पाइप के एक एंड से ली गई है लेकिन ये पाइप के मिड से लेते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये असल में रेट ऑफ फ्लो है, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ पाइप पर यूनिट टाइम, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आप कह रहे हैं, ये है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और ये भी याद रखना है कि इसको हमने क्यों यहाँ पे यूं कलर कर लेते हैं और यहाँ पे भी यूँ कलर कर लेते हैं, या डायग्राम में, बुक में भी देखेंगे, टेक्स्ट बुक्स में, तो ये ऐसे बना हुआ है। असल में ये है कांस्टेंट एरिया, कांस्टेंट फ्लो है यहाँ पे, तो इसलिए इनको करते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट फ्लो होने की वजह से फ्रिक्शन कम से कम होती है और स्पीड भी उसकी वजह से कांस्टेंट रहती है इस एरिया पे, इसलिए सिर्फ इस एरिया को कलर करके कंसिडर किया जाता है।
तो यहाँ पे देखते हैं हम जी, रेट ऑफ फ्लो अभी मैंने आपको बताया, तो इसके यूनिट हो गए मीटर क्यूब पर सेकेंड, और डायमेंशन भी लगे हुए हैं। और कंसिडर द फ्लूड फ्लो थ्रू द पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। नॉन यूनिफॉर्म साइज ही है ना, एंड वन देखिए पतला है, एंड टू जो है वो बड़ा है, लार्ज है उसका डायमीटर। तो एंड वन पे क्या होगा, डेल्टा एक्स वन हमने कंसिडर किया, वी वन डेल्टा टी वन, और वॉल्यूम वहां पे क्या है, ए वन डेल्टा एक्स वन, यानी इसका ये वी वन डेल्टा टी वन, यानी ये सिर्फ इतना हमने डिस्टेंस कंसिडर किया। मैंने बार बार बता लूँ कि डेल्टा एक्स वन को कलर क्यों किया, क्योंकि इतने डिस्टेंस में कॉन्स्टेंट फ्लो होगा, और ये वॉल्यूम बन गया फिर, क्योंकि डेल्टा एक्स वन की हमने वैल्यू लगाई। और नेक्स्ट ये देखें फिर, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मैस होता है, ये डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाला, तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया और डेंसिटी रो वन हो गई। तो सिमिलरली एट एंड टू ये डेल्टा एम टू हो गया। अब एक ड्राइव कर लिया, दूसरे को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, उसको हमने डायरेक्ट कह दिया सिमिलरली एट अपर एंड, यानी लोअर एंड पे हमने ड्राइव कर लिया ये, और सेकेंड एंड पे हमने कहा बिल्कुल इसी तरह, जहाँ वन वन क्वान्टिटीज है वहाँ टू टू लगा ली। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, ये एक पाइप है, ये भी आपको नजर आ रहा है, देखें तो जहाँ पे एरिया कम हो रहा है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। तो इसको आगे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अब कैसे हमने की, ये असल में फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को, यानी एक एंड से जितना मैस एंटर होगा दूसरे एंड से उतना ही मैस निकलेगा। तो दोनों मैसेज को हमने कंपेयर कर लिया, ये देखें अब लिक्विड की डेंसिटी सेम है, क्योंकि आप एक एंड से जो लिक्विड डाल रहे हैं दूसरे एंड से भी वही लिक्विड बाहर आएगा, तो डेंसिटी सेम हुई। ये तो हो नहीं सकता कि ये कोई जादू का पाइप हो कि आप एक एंड से तो पानी डालें और दूसरे एंड से आपको कोई गाढ़ा लिक्विड बाहर आ जाए, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सेम है। और यहाँ से हमने ये कंसिडर किया, ये देखें फिर, तो ये रो रो से कैंसिल हो गई, तो ए वन बी वन ए टू बी टू, दिस इज इक्वेशन कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो रेट, और ये कॉन्स्टेंट जो है ये वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर होगा, यानी ए वी यही वॉल्यूम फ्लो रेट है, या हमने ए वी की यहाँ पे वैल्यू लगाई डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, तो ये वॉल्यूम ओवर टी बन जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू लगा दी तो ये मैस फ्लो रेट भी यहीं से बन जाएगा, ए वी इंटू रो, तो ये मैस फ्लो रेट भी बन सकता है यहाँ से। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया कि जहाँ वॉल्यूम कम होता है वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है पानी की, तो ये देखें, और जो जो आगे बढ़ते जाते हैं एरिया बढ़ता जाता है और स्पीड कम होती जाती है, तो ये भी यहीं से पता लगेगा हमें, ए यहाँ से हमें पता लग रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और आप अगर अपने घर में पानी छिड़क रहे हैं तो आप ये देखें आप क्या करते हैं, पाइप के आगे अंगूठा रख लेते हैं, अंगूठे से उसका एरिया हाफ कर देते हैं, जब एरिया हाफ होता है तो वेलोसिटी एकदम बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पे हमें ये सूत्र पता लग रहा है, एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। कुछ न्यूमेरिकल इसके देख लेते हैं जी, जो एंट्री टेस्ट में बड़े अहम, तो ये देखें वी वन ओवर वी टू, ए टू ओवर ए वन। अब एरिया की वैल्यू लगाएं पाई आर स्केयर, तो यहाँ आर टू स्केयर ओवर आर वन स्केयर बन जाएगा ये, और ये इसी तरह डायमीटर भी आप लगा सकते हैं डी टू और डी वन। तो इन तीन फार्मूलों से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ये वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया, ये मैस फ्लो रेट हो गया। तो ये देखें ये 0.1 मीटर स्केयर है एरिया ए वन, और यहाँ पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये ए टू है, और ये 0.05 मीटर स्केयर है। तो कहता है वी टू बता दें कितना होगा, अब वी टू ऑब्वियसली वी वन से ज़्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया कम हो गया है। तो आप इसको इस फार्मूले में पुट करें पहले वाले में और निकाल लें वी टू की वैल्यू। और इसी तरह एक और न्यूमेरिकल आपको मैं दिखा देता हूँ, तो ये देखें आप पाइप ऑफ द इज अ स्प्लिट इंटू टू, तो ये भी एक हमारे पास फार्मूला है, ये देखें कि एक पाइप है पीछे से आ रहा है लेकिन आगे आके दो एंड्स में डिवाइड हो गया, यानी आप समझ लें कि आपकी गली का मेन गैस पाइपलाइन है और वो आगे घरों को गैस की पाइप की सप्लाई दे रही है। तो इसका फार्मूला फिर कैसे होगा, ए ए वी इज इक्वल टू ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।